भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कश्मीर में कहा था कि कुछ महिलाएं रोती बिलखती हमारे पास पहुंची और कहा हमारा मोलेस्टेशन हुआ है, हमारे साथ सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ है, बलात्कार हुआ है। जब दिल्ली पुलिस इस संदर्भ में राहुल गांधी से पूछताछ करने पहुंची तो कांग्रेस बेचैन हो गए और कांग्रेस के बड़े बड़े वकीलों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि जब कहीं शिकायत नहीं है तो राहुल गांधी से पूछताछ की जरूरत क्यों थी। कमाल है, कांग्रेस के ऐसे ऐसे विद्वान वकील ऐसे गुमराह करते हैं। बलात्कार जैसे मामले में सिर्फ विक्टिम ही नहीं, कोई भी मुकदमा दर्ज करवा सकता है शिकायत की। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात ये, दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम इससे पहले उन्हें दो दो नोटिस जारी कर चुके हैं। सरकार खबरें छुपा लेती है, सरकार खबरें लीक नहीं होने देती, ये शिकायत होती है। तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम आपका काम क्यों करें, खबर निकालना आपका काम है। सवाल ये है कि जब राहुल गांधी की यहाँ दो दो बार पुलिस की नोटिस आई तो कांग्रेस ने इस खबर को लीक क्यों नहीं किया, कांग्रेस ने राहुल गांधी को परेशान करने वाला नोटिस क्यों नहीं बताया। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी ने जो गलतियां की है उससे वो डर गई है। मामला अभी सिर्फ यहीं तक नहीं है, अभी राहुल गांधी के खिलाफ NIA जांच भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में कहा था कि कुछ आतंकी उनके सामने मिले थे उनसे और उन्होंने एक दूसरे की तरफ इशारा किया था। सवाल ये है कि वो बताना चाह रहे थे कि कश्मीर में आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं और उनसे बड़ी आसानी से मिलते थे, इसीलिए उन्हें कोई डर नहीं था। NIA उनसे यह भी पूछ सकती है कि आखिर वो आतंकी कौन था, कहाँ मिला आपको। राहुल को इन सब चीजों को भी जानकारी देनी पड़ेगी। इसका मतलब साफ है कि वो दौर चला गया जब बरगलाने का, झूठी अफवाह फैलाने का, केजरी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से आगे बढ़ने का खेल होता था। राहुल केजरी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से जिस तरह से अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रयोग अब फेल हो चुका है।